डिजाइन करेंगे, कुछ मैंडेटरी थिंग्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं व्हिच वी हैव टू टेक आउट। बेटा ये स्क्रीन के ऊपर जो है क्लियर कट लगता है। सौरभ माइक ऑफ करो बेटा। सौरभ अब वो अजम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट, इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर, अजम्पशन नंबर वन, इफ ट्रांसवर्स प्लेन सेक्शन ऑफ द मेंबर विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। जैसा हमने आरसीसी ऑर्डिनरी आरसीसी के केस में पढ़ा है कि प्लेन बिफोर द लोडिंग will remain plane after loading, yani same thing, the transverse plane section jo hai kisi bhi RCC member ka wo plane rahega before bending and after bending. Clear ho gaya sabhi ko? Yes sir. Second assumption for pre-stressed concrete member, Hooke's law is applicable to concrete as well as steel. Hooke's law is applicable in case of pre-stressed concrete and steel. Pre-stressing ke case mein jo concrete use hoti hai, jo steel use hoti hai, dono ke cases mein hum kya kar rahe hain? Hooke's law applicable hai. It means strain is directly proportional to stress. Yahi hai? Ya stress is directly proportional to स्ट्रेन। कोई भी चीज आपने पढ़नी है वहां से, और वहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है आपके पास। थर्ड अजम्पशन, तीसरी अजम्पशन जो आपने इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर याद रखना है, दैट इज स्ट्रेस इन द रेनफोर्समेंट डज नॉट चेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट। क्या याद रखना आपने? स्ट्रेस इन द रेनफोर्समेंट, यानी जो स्टील आप यूज करेंगे प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर बनाने के लिए, उसमें जो स्ट्रेस है दैट विल नॉट चेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सॉरी लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट। इट मींस स्टील रेनफोर्समेंट का जीरो एंड 1 मीटर के बाद, 2 मीटर के बाद, 3 मीटर के बाद, एक्स मीटर के बाद, वट एवर मे बी द एंडिंग, एट ईच क्रॉस सेक्शन द स्ट्रेस इन द रेनफोर्समेंट विल बी सेम अलोंग द लेंथ। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। नेक्स्ट जो assumption है, in case of pre-stressed concrete, variation of stress in the reinforcement due to change in external loading is ignored. आपने ये एक beam दिखाई दे रही है, इस beam के ऊपर external load लगाया है, ये live load लगा रखा है, circle circle दिखाई दे रहे हैं। Yes, sir. और इस केस में ये एरोस दिखाई दे रहे हैं, ये भी लाइव लोड है। अब ये जो लाइव लोड आपने यानी किसी भी बीम के ऊपर लोडिंग कंसीडरेशन आपने की है, और इस लोड के कारण ये यूडीएल, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपने लगाया है, इस यूडीएल के कारण जो इंटरनल डिफॉर्मेशंस हैं वो नहीं हो रही, ऐसा हमने मानना है। एक्चुअल में तो हो रही है लेकिन हमने इग्नोर करना है उनको। क्लियर हो गया सभी को? वी हैव टू इग्नोर। तो ये कुछ अजम्पशन थी जो आपने कंसीडर करनी है ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर्स। इसमें किसी को बेटा कुछ पूछना हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो वो बताओ। कंसेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेस क्या है और
assumptions क्या होंगी, concept क्या होगा। हाँ जी, है कोई question किसी का? अब है, now what is the principle of pre-stressing, यानी pre-stress concrete का principle क्या है, किस base पे वो काम करती है, इसको stress concept हम बोलते हैं। हमने क्या किया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली है, सपोर्ट यहाँ पर एक लगाई है, उसके एरो लगाया हमने और ये एरो दूसरा लगाया हमने। दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। इन एक्चुअल दिस इज सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस्ड बीम। इसके ऊपर हमने UDL लगाया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये हमने पी लोडिंग लगाई है प्री स्ट्रेस लोडिंग के लिए, ये भी हमने कंप्रेसिव लोड लगाया पी। दिस पी इज प्री स्ट्रेस फोर्स सप्लाइड बाय द टेंडन। टेंडन यहां पर किसको बोला है, TENDON, tendon means reinforcement, steel reinforcement को pre-stressed concrete के केस में क्या बोलते हैं, tendons। Tendons क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनको टेंशन में रखा जाता है, इसलिए tendons। P, this P is pre-stressing force supplied by the tendons। अब ड्यू टू दिस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड इन दिस मेंबर। दीज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू वट एवर मे बी द लोड, दैट इज पी, एंड अप्लाइड एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम। तो ये स्ट्रेस डायग्राम उसका ही आएगा, एफ। एफ इज पी अपॉन ए, ए ए मीन्स cross-sectional area of this beam, pre-stressed beam, P upon A. A stands for the cross-sectional area of this beam. Then stress induced after loading, ये जो loading लगाई आपने, अब जब loading लगी है तो bending moment भी होगा, और बेंडिंग मोमेंट है तो स्ट्रेसेस भी होंगी, तो वो स्ट्रेस क्या हुई, एम अपॉन जेड विद नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, प्लस भी है माइनस भी, स्ट्रेस इस तरफ भी है और इस तरफ भी। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। इट मीन्स इस रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट मेंबर में जब हमने लोडिंग कर दी, ये इस लोडिंग के कारण स्ट्रेस जो इंड्यूस हुई, दैट इज एम अपॉन जेड, प्लस माइनस दोनों होंगी। दिस इज प्लस अबव न्यूट्रल एक्सिस, बिलो न्यूट्रल एक्सिस इट इज माइनस। स्ट्रेस ड्यू टू टेंडन, स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग, दोनों के कारण, दोनों को जोड़ दिया, न्यू डेवलपमेंट इज देयर, दिस इज कंप्रेसिव। एफ माइनस एम जेड और एफ प्लस एम जेड। एफ इज पी अपॉन ए, अबव न्यूट्रल एक्सिस और ब्लू न्यूट्रल एक्सिस, यानी एट द टॉप। टॉप इज, टॉप क्या है, कंप्रेसिव जोन, बॉटम क्या है, टेंसाइल जोन। तो कंप्रेसिव जोन पे एफ प्लस एम जेड और बॉटम पे टेंसाइल जोन पे एफ माइनस एम अपॉन जेड। ये फोर्सेस जो हैं, ये स्ट्रेसेस जो हैं, वो इंड्यूस हो रही हैं एट द टॉप एज और एट द बॉटम एज। हाँ जी, क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। अब हमने नेक्स्ट जो पार्ट बेटा इसका पढ़ना है, वो पढ़ना है एडवांटेजेस and disadvantages of pre-stressed concrete।
अब हम पहले क्या कर रहे हैं, सॉरी, एडवांटेजेस ऑफ प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट की क्या एडवांटेज होंगी? तो फर्स्ट, ऑर्डिनरी कंक्रीट में माइन्यूट क्रैक आ रहे थे, हमने उसको रोकने के लिए प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट डिजाइन किया। इसका मतलब माइन्यूट क्रैक जो है वो एलिमिनेट हो गए, उनको हमने रोक लिया। फर्स्ट, पहली एडवांटेज क्या हुई, एलिमिनेशन ऑफ क्रैकिंग और माइन्यूट क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट अंडर लोडिंग एंड एंटायर स्ट्रक्चरल रेजिस्टिंग और एंटायर स्ट्रक्चरल एक्सटर्नल लोडिंग। बेटा माइक ऑफ करो ना विवेक, विवेक बेटा माइक ऑफ करो। सेकंड, दूसरी एडवांटेज है पॉसिबिलिटी ऑफ कोरोजन इन रेनफोर्समेंट इज मिनिमाइज्ड। पॉसिबिलिटी ऑफ कोरोजन इन रेनफोर्समेंट और इन स्टील इज मिनिमाइज्ड। थर्ड, प्री स्ट्रेस रिक्वायर्स 1/3 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ स्टील। ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनो, प्री स्ट्रेस मेंबर्स नीड अबाउट 1/3 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ स्टील। क्या मीनिंग हुआ बच्चों? समझ में आया किसी को? यस सर। क्या मीनिंग हुआ बेटा? कि सर उसके अंदर 1/3 स्टील डलता है। नहीं, मीनिंग क्या हुआ 1/3 स्टील, मीनिंग क्या हुआ बेटा? मैथमेटिकली बताओ, समीना, विवेक, विकास, शुभम, कोई बताओ, व्हाट डज इट मीन? चलो मैं बता रहा हूं बेटे आपको, अगर आप ऑर्डिनरी रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं कोई भी मेंबर, और उस मेंबर को बनाने के लिए 100 किलो सरिया लगे, ऑर्डिनरी आरसीसी मेंबर आपने बनाया, आपने कितना स्टील यूज किया, 100 kg। अब उस मेंबर की बजाय, इन कंपैरिजन टू दैट मेंबर, यू आर डिजाइनिंग ए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर। आप क्या क्या बना रहे हो अब? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर, वही मेंबर जो आपने ऑर्डिनरी बनाया। अब आपका सरिया कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा? 1/3 ऑफ दी 100 kg, यानी सिर्फ 33 से 35 और 40 किलो। हां जी, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब क्या फर्क पड़ा बताओ? यानी 100 किलो सरिया अगर आपका 1,00,000 रुपए का आ रहा था, तो आपने अब कितना सरिया लेकर के आना साइट पे, 35 किलो सारा, 33 से 35 किलो। अब वो कितना हो गया, 35,000 रुपए का। 100 किलो सरिया आपका कितने का आ रहा था, 1,00,000 का। हाँ जी, से मैं आपको बोल रहा हूं कि 33 उसका 1/3 हुआ ना, बोलो। यस सर। कितना फर्क पड़ गया कॉस्ट में? इकोनॉमिकल हो गए सर वो। हाँ जी, इकोनॉमिकल हो गया सर, प्रीस्ट्रेस। यस सर, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल से भी ऊपर हो गया बेटा। एक बात बोलूं? यस सर बोलो। जितने भी आपके ब्रिजेस बनते हैं, चाहे वो हाईवे के हैं, चाहे वो रेलवे के हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो के हैं, कोंकण रेलवेज के हैं, अगर इनको आप ऑर्डिनरी कंक्रीट में डिजाइन करने लगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू रेनफोर्स देम। उनमें कितना स्टील डलेगा आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जितने भी हाईवे के ब्रिजेस हैं,
रेलवे में जो ब्रिजेस हैं, कोंकण रेलवे में जो ब्रिजेस लगाए गए हैं, मेट्रो में जितना भी कंक्रीट यूज हो रहा है, दैट इज ऑलवेज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। जितने भी उसमें ओरिजोंटल मेंबर्स हैं, बीम्स हैं, वो सारे के सारे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब सर ये वन नेक्स्ट फोर्थ एडवांस। क्विंटल सर, 1/4 लगता है ये कंक्रीट में आरसीसी में। बेटा वो तो मैं अभी आया ही नहीं 1/4 पे, तो आप तो पहले ही किताब खोल के बैठे हो, या तो मेरी सुन लो या अपनी सुन लो। किताब तो सर रखनी पड़ती है, मैंने सोचा आपने ये लाइन पूरी पढ़ा दी है। ठीक नहीं, मैंने तो नहीं बोला अभी तक। अब आप बताओ 1/4 का क्या मीनिंग? है सर, आगे बताओ नहीं, 1/4 का मीनिंग आप बताओ बेटा। आप सर, पूछ रहा हूँ ना मैं ये बार। नहीं, मैंने तो बताया ही नहीं। अब आपने 1/4 पढ़ लिया तो बताओ वही मेरे पूछ को। रहा हूँ ना सर, ये 1/4 का मीनिंग। 1/4 आपने पढ़ा है, मैंने थोड़ी पढ़ा अभी। सर मैंने सोचा आपने ये लाइन पढ़ा दी है ना। नहीं पढ़ाई बेटा मैंने, मैंने तो 1/3 ऑफ पढ़ा दी है स्टील सर, तक मुझे पढ़ाया लगता बस। है। ठीक हाँ जी साहिल है सर, बेटे, मैंने वही वन पूछ रहा थर्ड हूँ ना ऑफ मैं, वन स्टील फोर्थ मैंने लगता है पढ़ा दिया। ठीक बट मैं 1/4 पे तो आया नहीं अभी। है सर, चलो अब नेक्स्ट जो एडवांटेज है, मुझे दैट लगता है सर इज आप आगे 1/4। इन केस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स, द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इज ओनली 1/4। जैसे वो 1/3 चाहिए थी, ये कितना चाहिए? 1/4। अब आप सोचो कि भी आपके शहर में कोई ब्रिज बना है, और उस ब्रिज में जितने बीम यूज हुए हैं, वो बीम जो हैं वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर्स हैं। अगर वो ऑर्डिनरी कंक्रीट मेंबर्स हो जाएं, तो उनका क्रॉस सेक्शन कहाँ जाएगा? कितने बड़े बीम हो जाएंगे वो, यानी जितने आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग उसके, हाँ जी, कितने गुना वन बढ़ फोर्थ जाएंगे? नहीं, वन फोर फोर्थ टाइम्स नहीं हो बेटे, जाएगा सर, चार गुना बढ़ जाएंगे, फोर टाइम्स हो फोर टाइम्स, जाएंगे। 4 times हो जाएंगे। यानी कोई भी ऐसा पुल नहीं होगा जिसके नीचे से ट्रक निकल सके, है? हाँ जी, क्योंकि डेप्थ, बीम की डेप्थ इतनी हो जाएगी। क्लियर है? यस सर, नेक्स्ट इज, यस सर। नेक्स्ट एडवांटेज इज, सॉरी, लाइटर एंड स्लेंडर मेंबर्स आर पॉसिबल विद द यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड स्टील। ऊपर से हमने पढ़ा है 1/3 ऑफ स्टील चाहिए, 1/4 ऑफ कंक्रीट चाहिए। जब 1/3 ऑफ स्टील और 1/4 ऑफ कंक्रीट चाहिए, इसका मतलब हमारे ऑर्डिनरी मेंबर्स घट करके छोटे हो गए, और छोटे होने का मतलब क्या हो गया? लाइटर हो गए और स्लेंडर पतले हो गए। देन डेड लोड्स प्रैक्टिकली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हैवी लोड, इंपैक्ट लोडिंग, वाइब्रेशन लोडिंग्स। प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स आसानी से बियर कर सकते हैं। प्री स्ट्रेस मेंबर इन केस ऑफ रेलवे स्लीपर्स, वो रेलवे आरबीटी में आपको बताया होगा रेलवे स्लीपर क्या होते हैं, या गेंट्री गर्डर्स इन ब्रिजेस, ये मैंने आपको अभी बताया, हॉरिजॉन्टल बीम्स। नेक्स्ट इज डायगोनल टेंशन कैन बी रिड्यूस्ड। डायगोनल टेंशन जो है वो कम हो जाती है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के केस में। नेक्स्ट इज लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स का क्या मीनिंग है? वाटर टैंक्स, बड़े बड़े प्री स्ट्रेस कंक्रीट से आसानी से बनाए जा सकते हैं। साइलोज और बेसिंस, वो भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की डिसएडवांटेजेस क्या हैं? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट की डिसएडवांटेजेस, हाँ जी कोई बता सकता है? सर कॉस्ट हाई हो जाएगी मटेरियल की। चलो बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। फर्स्ट,
इसको सुपरविजन चाहिए, ये हमारी तरह नहीं है। डिप्लोमा के क्लास में कोई आ गया उसको भी पास कर दो, जो घर बैठा उसको भी पास कर दो, किसी ने टेस्ट दिया तो भी पास कर दो, किसी ने नहीं दिया तो भी पास कर दो, ऐसा नहीं चलेगा प्री स्ट्रेसिंग के केस में। आई समझ? यानी प्रॉपर सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। सेकेंडली, हाई क्वालिटी डेंस कॉन्क्रीट, हाई क्वालिटी डेंस कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड, यानी कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वट एवर मे बी द रेशियो गिवन, दैट शुड बी इन ट्रू सेंस, वो होनी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इसमें मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा होती है, हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हैं, हाई क्वालिटी कॉन्क्रीट यूज करते हैं, उसके लिए मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए प्री स्ट्रेस करने के लिए, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बनाने के लिए, उनकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट यानी इरेक्शन ऑफ द, इधर दो बेटा ये वेस्ट ना कर, इसको कर ले ये पूरा और उसके बाद वेस्ट ना कर, हाई कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, देन longer and slender members are difficult to transport. देखो bridges की beams lengthy होती हैं, 13 meter भी होती है, 20 meter भी होती है। अब वो जिस जगह हम उसको बना रहे हैं, जिस plant में उसको बना रहे हैं, वहां से वो मान लो 10 kilometer, 20 kilometer दूर जा करके bridge में कहीं पे install करनी है, तो वहां तक ले जाना, उसको transport करना थोड़ा difficult होता है। नेक्स्ट इज हाई टेंसाइल स्टील रेनफोर्समेंट चाहिए, और हाई टेंसाइल स्टील रेनफोर्समेंट की कॉस्ट जो है वो 2.5 से लेकर के 3.5 टाइम्स माइल्ड स्टील से ज्यादा होती है। देन कार्बन कंटेंट हाई टेंसाइल स्टील में ज्यादा होता है, इसीलिए हाई टेंसाइल स्टील थोड़ा सा ब्रिटल मटेरियल होता है। प्रीस्ट्रेस सेक्शंस जो हैं वो लेस फायर रेजिस्टेंट है, ये तो एडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज तो नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो गए सभी को? यस सर। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अब आपने जो आप इसकी कॉपी बना रहे हो या असाइनमेंट बना रहे हो, बना रहे हैं असाइनमेंट? हाँ जी। Yes, चलो मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन दे दूंगा, जैसे ये कंप्लीट होगा चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, यानी बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द नेक्स्ट थर्सडे वी विल कंप्लीट द प्री स्ट्रेस, और थर्सडे को ही मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है याद करने हैं, और कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा वो लिखने हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो बच्चों? इज देयर एनी क्वेरी, इज देयर एनी क्वेश्चन? शुभम अपना माइक ऑफ कर लिया कर। शुभम लेटरल एंट्री, शुभम लेटरल एंट्री, किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? कीमती लाल जी ऑफ सर, इसमें कंक्रीट का हाँ जी, हाँ जी बोलो बोलो, इसमें कंक्रीट सर, इसमें कंक्रीट का जो ग्रेड होता है, ग्रेड होता है जो, वो कौन सा यूज होता है? बेटा बताऊंगा, वैसे ये मैंने रोक लिया था अपने आपको यहाँ पे, M30 से यूज करते हैं बेटा। M30 से यूज करते हैं, ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है इसमें, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? इज देयर एनी क्वेश्चन?
क्लास नहीं लगा रहे, 49 स्टूडेंट्स हैं बस, जिसमें से दो तो हम ही हैं, इट्स अराउंड 45 स्टूडेंट्स, प्लीज डू योर क्लासेस, बी ऑनलाइन फॉर द क्लासेस।